अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ अपने पढ़े लिखे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, जिनका ख्वाब है कि हम स्टूडेंट वीज़े पे मूव हो जाएं, और असलान भाई हमें कोई अच्छी कंसल्टेंसी या एजेंसी बताएं जो हमें कैसे, यानी कि एक ट्रस्टेबल तरीके से हमें मूव कर दे स्टूडेंट वीज़े के ऊपर। तो हाँ गाइज, ये वीडियो उन सब भाइयों के लिए होने वाली है जो भाई मेरे चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छा फ्यूचर, मतलब एक अच्छा फ्यूचर लेने के लिए हम क्या करें। तो गाइज उनके लिए चांस है कि वो स्टूडेंट वीज़े पे मूव हो सके। इसमें सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि जो मैट्रिक वाले हैं उनके लिए भी मैंने कुछ कंट्रीज निकाली हैं एजेंसी से बात करके, और जो जो एजुकेटेड है उनके लिए तो सारी कंट्रियाँ ओपन है। दूसरी अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि गाइज इसमें सारा प्रोसीजर, आपने जितनी भी पेमेंट है वो सब की सब अपने हाथ से करनी है। तो मैं बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मैंने डिस्कस किया है कि आप मैट्रिक वालों के लिए, हाँ गाइज, लेकिन इशू ये आ जाएगा कि मैट्रिक वालों के लिए दो कंट्रीज हैं, एक है साइप्रस यूरोप और दूसरा है रशिया। रशिया के लिए आपको उनकी रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और साइप्रस यूरोप के लिए आपको कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं साइप्रस यूरोप में पढ़ाई करने के लिए। मैट्रिक वालों के लिए बहुत सारे मुझे बोल रहे होंगे मुझे कमेंट में इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद कि भाई साइप्रस जो है मैट्रिक वाला नहीं जा सकता। तो हाँ गाइस, मैट्रिक वाला जा सकता है, ऐसा किसी ने भी नहीं रोका। किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं है कि मैट्रिक जिसने 10 पास की हुई, जिसकी SSC है, वो यूरोप नहीं जा सकता स्टूडेंट वीज़े पे। हाँ वो जा सकता है, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए, यानी कि 12 क्लास पास करने के लिए, इंटर करने के लिए वो जो इन दोनों कंट्री में जा सकता है, रशिया और साइप्रस यूरोप में। अब बात कर लेते हैं कि जो मेरे भाई जिनने इंटर की हुई बैचलर है या जिनके जो है डिप्लोमे हुए हैं, तो वो लोग क्या कौन कौन सी कंट्री में जा सकते हैं। तो गाइस टोटल वैसे 42 कंट्रीज हैं यूरोप की, लेकिन आपको शेंगेन जोन में जाना है या आपको टोटल 42 कंट्री में से किसी एक कंट्री में जाना है, उसके लिए आपको अपना पैकेज यानी कि अपना जो बजट है उसको डिस्कस करना पड़ेगा एजेंसी के साथ, यानी कि कंसल्टेंसी के साथ, कि सर मेरा बजट इतना है, मैं इतने अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मैं इस कंट्री जा सकता हूँ। तो आपको कंसल्टेंसी बताएगी कि नहीं, आपके बजट में ये 4-5 कंट्रीज़ हैं, आप इस कंट्री में जा सकते हैं। अब मेन चीज़ क्या है गाइस, प्रोसीजर जो मैंने पॉइंट आपसे डिस्कस किया है कि सारी पेमेंट आपने अपने हाथ से पे करनी है ताकि आपका दिल मुतमईन रहे और आप ये मतलब कि आपके दिमाग से सब चीज़ें निकल जाएं कि भाई इसमें कोई फ्रॉड वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं अब आपसे डिस्कस करने लगा हूं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आपका प्रोसीजर होगा, आपने पैसे खुद कैसे पे करने हैं। तो उसकी तरफ अब चलते हैं। पहले कंसल्टेंसी के पास जाना है, मतलब एजेंसी के पास जाना है, उससे आपने अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में 60% यानी कि 60% से ऊपर वाला ही अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट वीज़े के लिए। यूरोपियन कंट्री हो, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री हो, आपके पास अगर आर्ट्स का कोर्स है, आपका बैंड है 6.5 या 5.5, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स होना लाजमी है, आर्ट्स के बगैर भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी कंसल्टेंसी आपको नहीं बताती, मैं इसलिए आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि बगैर आर्ट्स के आपका एडमिशन फॉर्म भी आ जाएगा, आप फीस भी पे कर देंगे, लेकिन आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोई डिप्लोमा इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन नहीं देगा। ये गाइस कोई भी कंसल्टेंसी नहीं बताती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अपने सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों के सामने मैं रियलिटी रखता हूँ, ताकि उन भागियों के साथ फ्रॉड ना हो। उनके पास जो पैसे हैं, वो जो अपने पैसों को जमा करके कोशिश करते हैं कि हम लोग मूव हो जाएं, किसी ना किसी तरह से अपना फ्यूचर बना लें, तो ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो देख के या किसी और की वीडियो देख के वो फ्रॉड में फंस जाएं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ रियलिटी और जो रियल बात है वो आप लोगों से डिस्कस करूँ। अब बात करते हैं कि रियल चीज़ क्या है। तो हाँ गाइज, आपके पास आर्ट्स होना चाहिए, आपका बैंड 6.5 होना चाहिए। UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इसमें तो हाँ गाइस चलता ही है, आर्ट्स के अलावा एडमिशन नहीं होता। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है, अब उसने भी जो है अनाउंस कर दिया कि जिसके पास आर्ट्स होगा उसी को एडमिशन मिलेगा। मैट्रिक वालों के लिए कोई इशू नहीं, क्योंकि उनकी दो कंट्रीज हैं, उन्हें रशिया जाना है या तो साइप्रस यूरोप जाना है, इन दोनों कंट्री में आर्ट्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो इंटर के बाद जो कोर्सेज, जो आगे बैचलर या जो भी पढ़ाई चूज करते हैं या डिप्लोमा चूज करते हैं, उनको यूरोपियन कंट्री जाने के लिए आपको आर्ट्स होना ज़रूरी है, आपके पास आर्ट्स कोर्स जरूर होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होने जरूरी चाहिए आपकी, हम यानी कि आपकी इंग्लिश अच्छी, इनको क्या आपने बाहर यूरोप में उनकी लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ना। हर कंट्री की अलग यूरोपियन लैंग्वेज है, लेकिन हर जो है ना कंट्री में आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, आपके सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होंगे, तो कोशिश ये करें कि इंग्लिश में होगा।
अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट वीजे के फायदे क्या हो सकते हैं। आप अगर 3 साल का कोर्स लेते हैं या 2 साल की पढ़ाई करते हैं या 3 साल की पढ़ाई करते हैं तो आप 3 साल बाद नेशनलिटी ले सकते हैं उस कंट्री की। अगर आपका माइंड हो तो आप अपना स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपनी वाइफ को, मंगेतर को, जो भी जिसके साथ भी आपका रिलेशन हो आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन 3 साल बाद आपकी एजुकेशन खत्म होने के बाद, इसके दूसरे प्लस पॉइंट क्या है कि गाइज अगर आप किसी छोटी यूरोप कंट्री में, जैसे आपका बजट 20, मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, ऐसा ना आप वीडियो में सोचें कि इस्लाम भी आपने बोला था 20 से 22 लाख रुपए के अंदर ये काम होगा, ऐसा नहीं है गाइज। आप जो सी कंट्री डिसाइड करेंगे उसका आपको पैकेज बताया जाएगा कि हाँ भाई इस पैकेज में आपकी ये कंट्री हो जाएगी। सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपका पैकेज 15 से 20 लाख का है, आपको एक छोटी कंट्री मिलेगा, यूरोपियन ही यूरोपियन कंट्री होगी। मेन चीज क्या है कि आप यूरोप मूव हो जाएंगे। 3 साल की आपने पढ़ाई किया या डिप्लोमा किया या कॉलेज किया, उसके बाद आप इजीली जॉब ले सकते हैं, उसके बाद इजीली आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इजीली आप किसी भी बड़ी कंट्री जैसे जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, अपना मूव इटली मूव हो सकते हैं इजीली। सिर्फ मेन चीज़ क्या है कि गाइज आपने छोटे से स्टार्ट करना है। स्टार्टअप जो आपका होना है ना वो छोटे से होना है, आप बड़े की तरफ नहीं जाएं, छोटी कंट्री से स्टार्ट करें। आप अब बोल रहे होंगे कि असलान भाई सिर्फ जो है एजेंसी हमें फीस कितने महीने की पे करके देगी, तो एजेंसी आपको जो आप पाकिस्तान से जब आप जाएंगे यूरोप जिसी भी कंट्री में आप एडमिशन आपका मिलेगा तो एजेंसी आपको टोटल 6 महीने की फीस पे करके देगी आपके पैकेज के अंदर। उसके बाद क्या होगा गाइज, उसके बाद हर यूरोपियन कंट्री हर जो है अब्रॉड वगैरह आपको अलाउ करता है पार्ट टाइम जॉब के लिए, सैटरडे संडे जॉब के लिए अलाउ करता है। आपके पास पेपर होते हैं, आप लीगली जॉब कर सकते हैं और अपनी फीस पे कर सकते हैं, अपना जो है आप मतलब निज़ाम चला सकते हैं वहाँ पर। किसी भी मतलब किसी भी कंट्री के अंदर आपको रोक टोक नहीं होती स्टूडेंट को जॉब करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट यहाँ पर जॉब करेगा तो फीस पे करेगा, इसलिए अलाउ होता है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट वीजे पर जाके परमानेंटली जॉब करने लग जाते हैं, कॉलेजेस नहीं जाते, तो गाइज ऐसा नहीं करना। आपने अपना नाम नहीं डुबाना, अपनी पढ़ाई ख़राब नहीं करनी, आपने प्रॉपर पढ़ाई करनी है और साथ काम करना है। कि हमारा हमने प्रोसेस क्या होगा, तो गाइज सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होगा आपने कंसल्टेंसी के पास जाना है, अपने डॉक्यूमेंट देने। 60% से नीचे वाला अप्लाई नहीं करता, 60% आपके लाजमी मार्क्स होना चाहिए, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो या कोई भी एजुकेशन हो, आपके 60% मार्क्स होने लाजमी है। स्टेप दिया है फर्स्ट वन में आपने दे दी कंसल्टेंसी को फीस जो उनकी होती है, 2 स्टेप में उनकी फीस है, वो आपने फर्स्ट में आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पे की। 5 to 7 days के अंदर कंसल्टेंसी आपको बताएगी कि भाई आपके बजट के अंदर ये 4-5 कंट्रियाँ हैं, इस कॉलेज की, इस यूनिवर्सिटी की ये फीस है, इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी की, इस कंट्री में ये फीस है। अब आपने उन 4-5 में से एक डिसाइड करके उनको बोलना है कि मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ और पढ़ाई करनी है, आपको वो डन कर देंगे। आपने अपना सेकेंड फीस देनी है उनको, एडमिशन की फीस, आपका वो फॉर्म निकालेंगे, फॉर्म फिलअप करके आपने एडमिशन फीस देनी है। कैसे देनी है, आपको चलान देंगे उनके इंटरनेशनल बैंक में, आप पाकिस्तानी बैंक से फीस ट्रांसफ़र करोगे, यानी कि अपने हाथ से कुछ फीस पे करनी है। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपका एडमिशन ओके हो गया, आपको अब एम्बेसी फीस देनी है। आपको इस कंसल्टेंसी A to Z गाइड करेगी कि कैसे करना है, क्या नहीं करना। आपको थर्ड स्टेप में वो एम्बेसी फीस के वाउचर बना के देगी, आपने अपने हाथ से एम्बेसी फीस देनी है। एम्बेसी फीस देने के बाद आपके एडमिशन ओके हो जाएगा, आपके फॉर्म, एडमिशन, आपकी जो है रिहाइश वगैरह, यानी कि आपका हॉस्टल, आपकी सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपको एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। कोई इतना, क्योंकि स्टूडेंट को पता है ये बड़ी पढ़ने के लिए जा रहा है तो इतना ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू नहीं होता, सिंपल सा इंटरव्यू होता है। वो आपसे पूछते हैं कि भाई कौन से कोर्स पे जा रहे हो, कौन सी एजुकेशन पे जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो, ये आपसे सबसे सवाल करके आपके वीज़े आपको स्टैम्प कर देते हैं, पासपोर्ट पे वीज़ा लगा देते हैं। वीज़ा लगाने तक आपके साथ कंसिस्टेंसी रहेगी और आपका प्रॉपर साथ देगी। तो गाइज़ ये था मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, जो भाई मूव होना चाह रहे हैं अच्छी यूरोप कंट्री में, अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, तो गाइज़ वो यूरोप मूव हो सकते हैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर। बहुत अच्छा चांस है मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए मूव हो जाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे और वो स्टूडेंट वीज़े के लिए मूव हो जाएं जल्द से जल्द। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं वो एक अच्छा फ्यूचर लेने के लिए पाकिस्तान से मूव हो सकें। क्योंकि पाकिस्तान में गाइज जितनी भी पढ़ाई कर लो आप,
जितने भी आपके पास डिग्री हो, लेकिन आपकी सैलरी लाख से 1.5 लाख रुपए होती है, अच्छी पोस्ट वाले की 2 लाख रुपए होती है, अगर आप मूव हो जाओगे यूरोप में तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है, आपका फ्यूचर बन जाता है, आपके बच्चों का, वालदेन का सारा एक फ्यूचर बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआओं में याद रखें, और कोई भी सवाल हो कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल दूंगा, मेरा नंबर आ रहा है ये, इस नंबर पे आके मुझसे कॉन्टैक्ट करें, और मज़ीद डिटेल के लिए आपको कोई भी सवाल हो कमेंट लाजमी क्या करें, ताकि मैं आपको जवाब दूँ, ताकि कोई भी व्यूवर्स है ना नया देखने वाला, उसका कमेंट में दिया हुआ सवाल उसको एक जवाब मिल जाए कि हाँ ये चीज़ या वो चीज़ या एक्स वाई जेड कुछ भी चीज़। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।